नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि खरकाटे और मेरा यूट्यूब चैनल मैकेनिक ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं किर्लोस्कर HA494 का टाइपिट कैसा सेट करते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने दिखाया था कि टाटा 2518 का क्राउन पिनियन कैसा फिटिंग करते हैं और उसका प्ले कैसा सेट करते हैं। अगर उस वीडियो को आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा हो तो हमारे चैनल में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम वीडियो अपलोड करने वाले हैं टाटा 2523BS4 का, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले वो नोटिफिकेशन के थ्रू आप लोगों को मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। तो दोस्तों, ये है किर्लोस्कर HA494 इंजन। तो दोस्तों, टाइपिट मिलाने के सबसे पहले हमको इंजन घुमाना पड़ेगा, तो चलिए फटाफट इंजन घुमाकर हम टाइपिट वाली टाइमिंग पे ले लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये है पुल्ली के ऊपर जो निशान दिख रहा है और ये सेकंड निशान, ये टाइपिट मिलाने वाला निशान है और ये पंप वाला। तो चलिए दोस्तों, हमारा पीछे साइड से इस सिलेंडर का एक नंबर होता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम सबसे पहले टाइपिट देख लेते हैं, एक नंबर। तो एक नंबर तो ठीक है दोस्तों, और दूसरा नंबर भी देख लेते हैं, तो दूसरा नंबर भी ठीक है। ये दोनों टाइपिट को मिलाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये तीसरा नंबर रॉकर जो है, सॉरी टाइपिट, ये थोड़ा जाम है, इसे हमें मिलाना पड़ेगा। तो चलिए इसी के साथ में हम फटाफट टाइपिट सेट कर लेते हैं दोस्तों। और एक बात बता दें, हम टाइपिट हमें सेट करना है 0.30 mm पे, इनलेट एंड एग्जस्ट दोनों वाल को, ठीक है दोस्तों। दूसरा, आप जब भी टाइपिट सेट करते हैं दोस्तों, तो उसका एक एडजस्टर होता है, उसके ऊपर लॉक नट लगा होता है, जो लॉक नट को ओपन करना पड़ता है और उसके बाद एडजस्ट स्क्रू से उसमें कम ज़्यादा करना पड़ता है। अगर एडजस्ट स्क्रू को टाइट करेंगे तो टाइपिट जाम होगा, और एडजस्ट स्क्रो को लूज़ करेंगे तो टाइपिट ढीला होगा, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद में हमने तीन टाइपिट का बता दिया है, अब ये है चौथा जो है 6 नंबर, ठीक है दोस्तों। तो इसका भी टाइपिट हम फटाफट सेट कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, हमने इंजन के फर्स्ट राउंड में हमने 4 टाइपिट सेट किया है। तो नंबर आप लोगों को बता ही दिया है, फिर भी हम एक बार और बता देते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 6 नंबर, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इस हम इंजन घुमा लेते हैं, और इंजन घुमाने के बाद में उसी इंजन को एक राउंड घुमाकर उसी निशान पे ले आते हैं, और उसके बाद चलते हैं 4 नंबर सिलेंडर की तरफ से हम टाइपिट सेट करते हैं। तो दोस्तों, अब बचा हुआ है हमारा 4 टाइपिट। तो 4 टाइपिट में से है दोस्तों, एक तो 4 नंबर, एक 5 नंबर और एक है 7 नंबर और एक 8 नंबर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों, 4 नंबर तो ठीक ठाक लग रहा है, 5 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 5 नंबर को थोड़ा सेट करना पड़ेगा दोस्तों, तो चलिए इसको हम फटाफट सेट कर लेते हैं दोस्तों। हम इसके बाद में जो वीडियो अपलोड करने वाले हैं, टाटा BS4 के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं जो EGR से रिलेटेड है, ठीक है दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमारा 5 नंबर टाइपिट भी सेटिंग हो चुका है। अब चलते हैं हम 7 नंबर पे, और 7 नंबर और 8 नंबर हम ये दोनों टाइपिटों को फटाफट सेट कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए दोस्तों, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन के थ्रू वो आपको मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना दोस्तों। दोस्तों, हमने किर्लोस्कर इंजन HA694 का भी हमने वीडियो अपलोड किया था, 6 सिलेंडर इंजन का टाइपिट सेटिंग का। तो दोस्तों, अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा हो तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या तो फिर आई बटन को क्लिक करके भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों,
हमने 8 नंबर का भी टाइपिट सेट कर लिया है। अब उसके बाद में एक बचा है 7 नंबर, तो 7 नंबर का भी कर लेते हैं फटाफट। दोस्तों हमारे YouTube चैनल मैकेनिक ज्ञान, इस चैनल में हम सिर्फ मैकेनिकल से ही रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियो हमने अपलोड किया है और प्लेलिस्ट में भी बहुत सारी वीडियो रखी है, आप वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, शायद आपके लायक कोई हो तो देख सकते हैं। दोस्तों कैसा लगा हमारा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। दोस्तों फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय दोस्तों, गुड नाइट।